हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। और मैंने आपको वादा किया था, आई हैव मेड यू ऑलरेडी अ प्रॉमिस दैट यू विल गेट स्टडी स्टेप्स ऑन रेगुलर बेसिस। सो इन द सेम कंटेक्स्ट आई एम वंस अगेन ओवर हियर टू वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल CBSE क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद्र। यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू गेट every stuff easily reach you, for that you must subscribe the channel. So in the same context students, I am over here to continue the same portion in grammar tense. In that we have already studied present tense, past tense and two sub parts of future tense as simple future and future progressive. We have already studied in the previous video clip. Now in the same context I am also with other two left two sub what to say sub kinds or sub types of future tense. They are future perfect tense and future perfect continuous. Then let us see future perfect tense ye kya hai. Future perfect tense kis tarah ke action ko denote karta hai, to it denotes an action that will have been completed at some point in the future. ये एक बार आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि इट डिनोट्स एन एक्शन, ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में किसी पॉइंट तक, मतलब किसी समय तक कोई काम समाप्त हो चुका रहेगा। विल हैव बीन कंप्लीटेड एन एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड मीन्स वो समाप्त हो चुका रहेगा फ्यूचर में। तो ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई विल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, मतलब मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा या कर चुका रहूंगा, लाइक दिस। हिंदी में इसकी पहचान के लिए हम लोग लिखते हैं हिंदी में चुका रहेगा, चुके रहेंगे, या चुकी रहेगी। ये हिंदी में ऐसे वाक्य की पहचान है, जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका रहूंगा, चाहे वो अपना काम समाप्त कर चुका रहेगा, वे लोग अपना काम समाप्त कर चुके रहेंगे, वो अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी, ये चुका रहूंगा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये वाक्य के अंत में ये इसकी पहचान है, ऐसे हिंदी में रहता है। लेकिन इंग्लिश में ये दिखेगा स्ट्रक्चर से पता चलेगा, विल के बाद हैव और वी थ्री इसका स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, या सेल भी लगा सकते हैं आप, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल भी लगाया जाता है, ऐसे तो जनरली विल ही लगता है, लेकिन आप सेल भी यूज कर सकते हैं, सेल विल प्लस इसमें वी लगेगा, हैव लगेगा, एंड हैव के पास बाद वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको आप सेंटेंस में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, आई सेल हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई सेल हैव कंप्लीटेड द वर्क। दूसरा सेल, मैंने कहा कि आज स्पोकन में सेल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, विल का इस्तेमाल अक्सर होता है। तो यहाँ अगर कोई कहता है आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो उसका भी सही है, आई सेल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये भी सही है। उसके बाद ही के साथ अगर डालते हैं तो ही के साथ विल लगेगा और हैव तो दोनों के साथ लगेगा, क्योंकि हैव यहाँ स्ट्रक्चर में है। ही विल हैव ईटन अ मैंगो, ये भी हो सकता है, ही विल हैव ईटन अ मैंगो। तो इस तरह से
स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो सेल या विल के बाद नॉट डाल देते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए कैसे, फिर वही बात है जैसे इसको किया गया, आई सेल नॉट हैव कंप्लीटेड द वॉक। उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तो दे विल नॉट हैव डन द होमवर्क। दे विल नॉट हैव डन द होमवर्क, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, देन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दैट वी हैव रिटन ऑलरेडी, सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सेल विल को पहले डाल देंगे, सब्जेक्ट डालेंगे उसके बाद हैव जैसे है वैसे डालेंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आप सेल या विल से ही शुरू कर सकते हैं, विल दे हैव डन देयर वॉक, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। विल राधा हैव फिनिश्ड द जर्नी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स वी हैव कम टू नो टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, will they have done their home their work, second will Radha have finished the journey। So by this way we have come to know future perfect tense, we also came to know that we have already come to know that what is the use of this future perfect tense, then we have already known it that it is used to indicate an action that will have been completed in future or that has to be completed in future, मतलब जिसको future में complete हो जाना है, ऐसे sentences को हम लोग future perfect tense में पढ़ते हैं। अब future perfect continuous क्या है, ये ख़त्म होने के बाद the future perfect continuous, ये future perfect continuous का मतलब कि ये future में ये काम जारी रहेगा, that will start in future and it will go on in future, तो ये this will be in progress, तो इसको ऐसे लिखते हैं, it is used to indicate an action which will start in future and will be in progress, मतलब इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, ये ऐसे एक्शन को डिनोट कराता है विच विल स्टार्ट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में शुरू होगा एंड विल बी इन प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस मतलब होता रहेगा, तो ऐसे को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ऐसे मॉडर्न ग्रामरियन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामरियन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज नॉट बींग यूज नाउअडेज। The same has been the concept of this future perfect continuous has been taken from the same future progressive, जो future progressive आपने पढ़ा था इसके पहले वाले क्लिप में, उसी future progressive से इस future perfect continuous का भी काम हो जाता। लेकिन फिर भी एक structure है, इसको समझना चाहिए, कभी कभी ये आता भी है। तो when it comes and when it will come while studying
ही विल नॉट बी पॉपुलेक्स्ड फॉर द सेम आई एम गोइंग टू राइट द सेम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसका लिखने में जा रहा हूँ ताकि आप परप्लेक्स नहीं होंगे। तो ये कैसे एक्शंस को डिनोट करता है, तो ये ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है जो फ्यूचर में शुरू होगा और जारी रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी में क्या है। ता रहूंगा तीर ऐसे, हिंदी में इसकी पहचान के लिए मैं दो वर्षों से पढ़ता रहूंगा, तो ऐसे ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी, रहेगी या रहेंगी, तो इस तरह से ये इसका पहचान है। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये बस इसका ये है, यहाँ तक आप डालेंगे तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई सेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें आप पॉइंट ऑफ टाइम डालना चाहते हैं तो फॉर टू ईयर्स भी लिख सकते हैं, टू ईयर्स। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस, दे विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, दे विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। आगे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आप डालें या नहीं डालें। अब उसी तरह से इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जब बनाना होगा तो यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट, सेल या विल के बाद ही नॉट डालेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से देखिए। फिर इसी सेंटेंस का जो ऊपर आपने लिखा इसका आप नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे दे विल नॉट हैव been practicing, ये या ऊपर वाला जो था I shall not have playing cricket for 2 years, तो ये इसका negative हो गया। अब interrogative की बात करेंगे तो फिर वही, जैसे सेल विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, विल दे हैव been playing cricket, तो इस तरह से आप आगे पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम आप डाल सकते हैं। तो they will not have been practicing, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में shall या will को पहले डाल दिया गया, फिर सब्जेक्ट और प्लस have प्लस been डाला गया। जैसे आप will they have been playing cricket, तो by this way students we can do, we can write this interrogative structure of future perfect continuous. Then students, we have completed tense, the chapter we started in grammar tense, we have completed already all the three types and their subparts, their uses, their examples as well as उनका हिंदी में पहचान, उनका हिंदी में पहचान भी हम लोगों ने जाना, अलग अलग structures भी जाने। आप इन structures का practice करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रैक्टिस करें मतलब आप इनको बार 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 लिखें, आगे आपके बुक्स में टेक्स्ट में जो आप पढ़ते हैं पढ़ते समय व्हेन यू गेट सम सच सेंटेंसेस, आपको तो सेंटेंसेस मिलेंगे, व्हेन यू गेट सच सेंटेंसेस ट्राई टू बाइफर्केट विच टेंस दैट डज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस व्हाट यू हैव रेड बिलोंग्स टू, मतलब
आप जब किताब पढ़ रहे होते हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें देखें कि ये जो जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करेगा, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको लिखवाया जा चुका है। तो मेरा बस ये आपके आपसे ये रहेगा, ये उम्मीद रहेगी कि आप इन सबको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और वीडियोस जो मैं अभी आपके लिए कर रहा हूँ इसको शेयर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज विदाउट सब्सक्राइबिंग आई एम नॉट एबल टू सेंड यू सच स्टेप्स इन ईजी वे, बिकॉज वेन यू सब्सक्राइब द वेन एवर दिस थिंग्स और स्टडी स्टफ इज बींग अपलोडेड, इट विल रीच यू डायरेक्टली स्ट्रेट वे विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। अदरवाइज दिस इज टू बी पोस्टेड समवेयर एल्स, जैसे इसको कहीं दूसरे जगह पोस्ट किया जाएगा, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या कहीं दूसरे जगह पोस्ट किया जाएगा, उसके थ्रू आप देखेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करने से ये इजिली आप तक पहुँचेगा, और जैसे पोस्ट होगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगा बेल आइकन के थ्रू, और आप इसको देख पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ ऑल स्टूडेंट्स,